फ्रेंड्स, मेरा नाम संतोष सिंह है और मैं आज से आपके लिए एक 5 मिनट की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ फॉर यूपीएससी 2020 एंड 21। हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले एक दो हफ्तों में इस सीरीज को जितने भी अभी तक करंट अफेयर आए हैं उसको कंप्लीट कर दिया जाए। जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसमें टोटल 42 पेजेस हैं, जिसमें फर्स्ट 29 पेजेस द हिंदू को कवर किया गया है। 30-37 विजन का मंथली से एक्सट्रैक्ट किया गया है और 38-42 तक पीआईबी से लिया गया है। तो ये जून 2019 का करंट अफेयर है। चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक है राइस ब्लास्ट जो कि होता है मैग्ना पोर्थियो राइजिंग के द्वारा। ठीक है, एक तरह का ये फंगस है। इसका वन ऑफ द मेजर डिजीज ऑफ राइस क्रॉप है। रिसर्चर फ्रॉम ICAR एंड NRI ने इसका डिस्कवर किया है। उड़ीसा ने मैप आउट किया है इसके डाइवर्स जीन को। अच्छा, ICAR के बारे में जानिए, ये इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च है। क्योंकि मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ उसको कि ICAR है क्या। ठीक है, ICAR है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ठीक है, जो कि काम कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर में। ठीक है, तो ICAR एक ऑटोनॉमस बॉडी है। इसके अच्छा ये इसके सेकंड टॉपिक पे आते हैं। इसका जो सेकंड टॉपिक है वो मंकी पॉक्स है। मंकी पॉक्स जो एक तरह मंकी पॉक्स होता है, मंकी पॉक्स वायरस से। ठीक है, जो कि पॉक्स वीरिडे की फैमिली से आता है। ये जो डिजीज है मंकी पॉक्स, वो एनिमल के थ्रू ट्रांसमिट होता है। इसका ट्रांसमिशन ह्यूमन टू ह्यूमन भी हो सकता है। ठीक है, इसका फैटेलिटी रेट है 1-10%। अच्छा, WHO ने ये बोला है कि स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीनेशन है वो हाईली इफेक्टिव है मंकी पॉक्स को ठीक करने के लिए। ये जो मेनली मंकी पॉक्स होता है वो सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका में होता है। अच्छा, ये पहला आइडेंटिफाई किया था 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। थर्ड टॉपिक है चागोस आइलैंड। चागोस आइलैंड हम लोग देखने का ट्राई करते हैं। चागोस आइलैंड का लोकेशन क्या है, देखिए मैं आपके सामने ही सब कुछ सर्च करके दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको एक लाइव फीलिंग आए, आपको ये ना लगे कि रटा रटा है मैं कुछ बोल रहा हूँ। ठीक है, चागोस आइलैंड का जो लोकेशन है, अगर वो लोकेशन देखेंगे ठीक है, चागोस आइलैंड का लोकेशन दिखा रहा है अफ्रीका के ईस्ट में और इंडिया के साउथ में। ठीक है, इंडियन ओशन में है चागोस आइलैंड। ठीक है, और ये अफ्रीका के ईस्ट में है और इंडिया के साउथ में है। तो चागोस आइलैंड का लोकेशन हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, चागोस आइलैंड पे US मिलिट्री का वो है ऑक्यूपेशन है, उसने UK से इसको लीज पे लिया हुआ है। ICJ ने रिसेंटली एक रूलिंग दी है कि UK को ये चागोस आइलैंड जो है वो मॉरिशियस को हैंड ओवर कर देना चाहिए। तो चागोस आइलैंड जो है वो मॉरिशियस का एक आइलैंड है। ठीक है, इंडिया भी मॉरिशियस को इस केस में सपोर्ट करता है जो ICJ का केस है। ठीक है, फोर्थ टॉपिक पे आते हैं ओटम थुलल। ये एक तरह का डांस है जो कि केरला का है। ओटम थुलल, अच्छा मैं प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए ठीक से कर रहा हूँ कि नहीं, ओटम थुलल। ठीक है, केरला का एक डांस है जो कि 18th century में कुंचन नंबियर, एक तरह का प्राचीन कवि थ्रियम है, एक तरह का लैंग्वेज पोएट्स है। ठीक है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 18th century में। ठीक है, इसके अंदर में दो तीन इंस्ट्रूमेंट है, मृदंगम है, इधर का है। ठीक है, मैं